हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, रेसिपीज़ को ट्राई एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ इंस्टेंट आम का अचार। इस अचार को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगने वाली है और ना ही धूप की टेंशन होने वाली है। बहुत ज़्यादा धूप इसको लगाना नहीं है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने लिए हैं कच्चे आम और आम की कर लेंगे कटिंग। तो आम को मैंने पहले से अच्छे से धो लिया है और कपड़े से पोंछ कर इसको सुखा दिया है, क्योंकि इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यह तो सभी को पता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तामझाम के साथ ये अचार नहीं बनने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस तरीके से इस आम के अचार की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए, ये आपको भी बहुत ही पसंद आने वाली है। तो ये देखिए, इस तरीके से आम के छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे। पहले के ज़माने में क्या था ना, कि हमारी दादी नानी या मम्मी जो अचार बनाती थी ना, वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस में बनता था, तो उसको बनाना डिफ़िकल्ट लगता था। लेकिन इस प्रोसेस से कोई भी ये अचार बनाएगा ना, तो उससे पहली बार में ही ये अचार बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। इस अचार को बिगनर्स भी बना सकते हैं। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट पर एक बार ये अचार की रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आपने न्यू विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को याद से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि न्यू वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले पहुँचे आप तक। जो भी आपकी फैमिली में बोले कि उनसे अचार नहीं बन पाता है, उनको ये रेसिपी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो इस तरीके से हम सारे आम की कटिंग करके तैयार कर लेंगे और ये जो गुठली है उसको हटा देंगे। बहुत छोटे छोटे पीस रखने हैं इस तरीके के, क्योंकि ये इंस्टेंट अचार है। तो ये देखिए, आम की कटिंग हमने कर ली है। इसको डालेंगे एक बोल में, तो बोल भी बिल्कुल क्लीन और बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। पानी का इस्तेमाल कहीं भी ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हाथ भी आपके बिल्कुल सूखे हुए होने चाहिए। तो आम को डालेंगे बोल के अंदर। अब इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले और उसके बाद प्रिपेयर करेंगे एक अचार मसाला। तो इसमें सबसे पहले डालेंगे हम नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अचार में जैसे कि सभी को पता है, नमक थोड़ा सा तेज ही रहे तो अचार लंबे समय तक ख़राब नहीं होता है। तो इसमें डाला मैंने 2 चम्मच नमक और साथ में डालेंगे हल्दी पाउडर। 1 छोटा चम्मच हम डालेंगे हल्दी पाउडर और साथ में डालेंगे 2 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इसके अंदर थोड़ा सा तीखापन भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि अब तो कश्मीरी लाल मिर्च भी तीखी आने लगी है और इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। तो इसमें डालेंगे मिर्ची का पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स करके एक साइड में रख देंगे। अब इसके लिए तैयार करेंगे एक मसाला, जिसको कि हम घर में पड़े हुए बेसिक मसालों के साथ तैयार करेंगे। तो उसको पहले हम ड्राई रोस्ट करेंगे, उसके बाद उसका हम पाउडर बनाएंगे। तो पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लो, उसके बाद इसको एक साइड में रख देंगे, उसके बाद प्रिपेयर करेंगे मसाला। तो उस मसाले के साथ आप बहुत सारे अचार की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसको एक साइड में रख देंगे। अब गैस पर चढ़ा दिया है हमने पैन गर्म होने के लिए। उसके अंदर डालेंगे हम 2 चम्मच सौंफ। सौंफ हमने डाला है 2 बड़ा चम्मच और 1 बड़ा चम्मच हमने डाला है अजवाइन। 1 बड़ा चम्मच ही हम डालेंगे काली मिर्च और साथ में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच मेथी और 1 बड़ा चम्मच ही हम डालेंगे जीरा। इन सभी चीज़ों को हम गैस की स्लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद इसे ठंडा करके इसका पाउडर बना लेंगे। तो पाउडर हमें बहुत फाइन नहीं बनाना है, दरदरा पाउडर ही इसका हम बनाकर तैयार कर लेंगे। लेकिन इस मसाले को अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे, उसके बाद इसका पाउडर बनाइएगा, ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। गर्म मसाले को पीसने से क्या होता है ना, उसके अंदर गुठलियाँ बन जाती है। तो इसको हमने रोस्ट कर लिया है, इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए, ये मसाला हो चुका है ठंडा, अब इसका पाउडर बना लेते हैं। तो ये बना लिया हमने इसका पाउडर। पाउडर अभी थोड़ा सा ज़्यादा दरदरा है, इसको थोड़ा सा और पीस लेंगे, इसको थोड़ा सा और फाइन करेंगे हम, और उसके बाद इस मसाले को ऐड करेंगे अचार के अंदर। तो ये देखिए, इसको 1-2 बार और हमने चर्न कर दिया है, ये बारीक दरदरा हो चुका है। अब इसको डालेंगे अचार के अंदर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे तेल, क्योंकि अचार बना है तो अचार में तेल डालना होगा। तो तेल को डालने का बहुत ही यूनिक तरीका मैं इस अचार में इस्तेमाल करने वाली हूँ। इसको पहले अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। और इसके लिए ना, मैंने बहुत सारे लहसुन को छील कर रखा है इसके अंदर डालने के लिए। तो उसको मैं कैसे डालूँगी आगे वीडियो में देखिए। आप अगर चाहें तो लहसुन के बिना भी इस अचार को बना सकते हैं। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसे एक साइड में रख देंगे और जिस जार में हमने मसाले को पीसा था उसी जार का इस्तेमाल करेंगे हम। और इसके अंदर दरदरा कर लेंगे हम लहसुन को। तो लहसुन की कलियाँ छील कर हमने रख लिया है। इसमें भी हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। कितने लोग होते हैं ना, पानी में लहसुन को डुबा देते हैं उसके बाद छीलते हैं, तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। और इसको हम 1-2 बार चलाकर इसे दरदरा पीस लेंगे। आप चाहें तो आप इसे बारीक
चॉप भी कर सकते हैं, बहुत ही बारीक चॉपिंग करनी होगी, लेकिन ये काम मिनटों में हो जाएगा। तो इस तरीके से ही मैंने कर लिया है, इसको डाला एक बोल में। अब चलिए करते हैं तैयारी अचार के अंदर तेल डालने की। तो इसके लिए हमने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है और इसके अंदर डालेंगे हम 1 कप सरसों का तेल। नॉर्मल जो घरों में चाय वाली कप नहीं होती है उस कप से हमने तेल लिया है। तेल को पहले हम थोड़ी देर तक गर्म होने देंगे, उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम 2 बड़ा चम्मच राई। ये काली वाली सरसों का इस्तेमाल किया है हमने, आप चाहे तो पीली वाली सरसों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और 1 बड़ा चम्मच हमने लिया है कलौंजी या मंगरेला जिसको कहते हैं उसको, और 1 छोटा चम्मच हमने लिया है हींग। और साथ में डालेंगे हम लहसुन जिसको हमने चॉप करके रखा था, चॉप नहीं बल्कि मिक्सी में दरदरा पीस कर रखा था, आप चाहे तो इसको चॉप करके भी डाल सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब इसे हम गैस की स्लो टू मीडियम फ्लेम पर लहसुन के अच्छे से ब्राउन हो जाने तक पकने देंगे। इस तरीके से इस अचार की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपको भी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। मेरे घर में जब मैंने ये अचार बनाई थी ना, सबने इतनी तारीफ़ की थी, तो मैं चाहती हूँ कि जो भी व्यूअर्स मेरी वीडियोस वॉच करते हैं उनकी भी तारीफ़ उनके घरों में हो। तो प्लीज़ आप मेरी रिक्वेस्ट पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे देखिए, इस तरीके से मैं लगातार चलाती जा रही हूँ ताकि लहसुन बहुत अच्छे तरीके से ब्राउन हो पाए। तो ये देखिए, इस तरीके से झाग बनने लगा है और लहसुन भी ब्राउन होने लग पड़ा है। तो गैस का फ्लेम हम अब बंद कर देंगे और तेल को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो इसे हम बीच बीच में इस तरीके से लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि तेल तो गर्म है, तो लहसुन का कुकिंग प्रोसेस अभी भी चालू है। तो इसको इस तरीके से चलाते रहेंगे। थोड़ी देर ठंडा होने के बाद इसको डालेंगे हम जिसमें हमने अचार मिक्स करके रखा था उसके अंदर, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, तेल थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, इसको डालेंगे अचार में और मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो इसे बिना धूप दिखाए भी खा सकते हैं, और अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसे धूप में 2 से 3 दिन तक रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा देर इसको धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये देखिए, इसको हमने डाल दिया है, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन अचार की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। अब क्यों बनाना बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस से अचार, क्योंकि इस तरीके से बन सकता है इंस्टेंट अचार। तो इस तरीके से इंस्टेंट अचार की इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, इंजॉय कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अचार बनाते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, तब ये अचार बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो अचार बनाने के लिए सबसे पहले तो शीशे के बोल का इस्तेमाल करें। शीशे का जार या बोल सभी के घर में अवेलेबल होता है, अगर आपके पास वो नहीं है तो चीनी मिट्टी के मर्तबान का इस्तेमाल करें। और अगर आप इनकेस प्लास्टिक के बर्तन में इस अचार को बना रहे हैं तो आप इसको मिक्स करने के बाद डायरेक्ट इसे शीशे के जार में ट्रांसफ़र कर दें। इसको प्लास्टिक के जार में पड़े रहने देने से इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और इसको मिक्स करने के लिए हमेशा स्टील की चम्मच या लकड़ी की चम्मच का इस्तेमाल करें ताकि अचार बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो इस तरीके से इस अचार की रेसिपी को ट्राई कीजिए, इंजॉय कीजिए। मिलती हूँ न्यू वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।